बीते दिनों अपने बयानों से मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का अब एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बैकफुट पर जाकर आजम खान की तारीफ की है और समाजवादी पार्टी और महान दल के गठबंधन को लेकर अपने विचार सबके सामने रखे हैं। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य बैकफुट पर आते नजर आने लगे हैं, जिसके बाद आजम खान की जमकर तारीफ भी की जा रही है। और केशव देव मौर्य ने बताया कि आजम खान एक बड़े नेता हैं। वहीं इन सब के बाद महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने महान दल और सपा गठबंधन के बीच बढ़ रही दरार को लेकर अपने विचार रखे। आपको बता दें कि ये वही नेता है जो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इन्हें चुनाव के लिए फॉर्चून कार गिफ्ट की थी, फिर वापस लेने के बाद इसे अपना अपमान बताया था। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आदरणीय आजम साहब से जब मुलाकात होगी तो मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, वो भी राजनीतिक शख्सियत है, तो राजनीति की ही बातें हुई। बहुत देर तक हम लोग बैठे और कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में, और बहुत खुश भी थे, साथ में खाना खिलाए, बहुत प्यार दिए, बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताया। हाँ, मुख्य मुद्दा ये था, वो ये जानना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में महान दल किस तरह आया और क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से गठबंधन टूटा और मुझे गठबंधन से अलग होना पड़ा। मैंने एक एक छोटी भी डिटेल उन्हें दी, क्योंकि उन्होंने समय खूब दिया मुझे, मेरे साथ घंटों बैठे और उन्हें सब कुछ मैंने बताया। अब्दुल्ला आजम साहब भी थे, उन्हें भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ गलतियां हुई हैं, और मुझे भी उन्होंने कुछ बातें कही कि जिन विषयों पर मुझे जवाब नहीं देना था या गोलमोल जवाब देना था, तो उन्हें मुझे भी उन्होंने कहा कि दोनों ओर से रिश्ते चलाने चाहिए। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आजम साहब जौहरी हैं और मैं उनसे मिल के बड़ा गदगद हूँ। अब्दुल्ला आजम साहब ने और बिलारी विधायक फहीम इरफान साहब ने मुझे पूरी जौहर यूनिवर्सिटी दिखाया, स्वयं चलकर दिखाया। यूनिवर्सिटी देखकर वास्तव में लगता है कि कुछ चीज़ बनी है, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए इतना बड़ा केंद्र। एक राजनीतिक व्यक्ति ने आजम साहब जैसे ही व्यक्ति बनवा सकते हैं, और सरकार ने जो किया जवाहर यूनिवर्सिटी के बदनाम करने के लिए, ये बिल्कुल निंदनीय है। आजम खान से मुलाकात के बाद क्या लोगों को महान दल और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ दोबारा देखेंगे? देखिए, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता राजनीति। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य बैकफुट पर नजर आते हुए साफ दिख रहे हैं। आजम खान से एक बार फिर मिलने के बाद आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी की भी जमकर तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। केशव देव मौर्य ने बताया कि इन दिनों ढोले से मुझे भी कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ लोगों ने समाजवादी गठबंधन में गंदगी फैला रखी थी, कुछ छोटे नेताओं ने इतनी बातें की थी कि जिसके चलते गठबंधन टूट गया, मगर हम आपको एक बार फिर बता दें कि महान दल के ये वही नेता है जिन्हें विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने चुनाव के लिए फॉर्चून गिफ्ट की थी, और चुनाव का परिणाम आने के बाद इनसे वह कार वापस ले ली गई, तो उन्होंने उसका विरोध करते हुए अपना अपमान बताया था। मगर अब ये बैकफुट पर नजर आते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सपा से कोई दुश्मनी नहीं है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का ये बयान कोई नया बयान नहीं है, राजनेताओं के इस तरह के बयान अब जनता के लिए आम हो चले हैं। मगर इन बयानों से एक बात तो स्पष्ट है कि केशव देव मौर्य अब एक बार फिर अपने इस बयान से मुनाफा ले सकते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।